देखो। हेलो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं अमरावती नदी के किनारे। कुछ दर्शनीय स्थल हैं जो लोग बहुत कम जाते हैं, तो हमने सोचा चलो हम ब्लॉग में आप लोगों को दिखा देते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो आप लोग भी घूमने आना कभी। इसे चढ़ाई चढ़ते हुए, अभी थोड़ी सी चढ़ाई है, इसको चढ़ेंगे, फिर उसके बाद नीचे उतरेंगे। हम लोग नीचे जाएंगे। और देखिए इस तरफ तो है ये जंगल, ये पूरा जंगल है, और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर ये आश्रम है, ये माई का मड़वा बोला जाता है, ये आश्रम है। और ये देखिए नर्मदा जी, वो सॉरी अमरावती नदी, यहाँ से देखिए दूध की धार की तरह, यहाँ से देखिए हमारे क्या, ये देखो दूध की धार की तरह, ये अमरावती नदी। यहाँ से और क्लियर आ जाएगा थोड़ा सा, ये क्लियर आ रहा हूँ शायद, नहीं आ रहा है। चलिए आइए, कितना सुंदर लग रहा है एहसास प्रकृति का। ये देखिए अमरावती की धार, बहुत ही बेहतरीन, गजब, बहुत गजब। चलो ठीक, आओ। देखिए भाई कितना गजब स्थान लग रहा है, और यहाँ से ये देखिए पीछे, और पीछे थोड़ा सा ये, वाह बहुत मजा आ रहा है। और हमारे साथ में दादा लोग भी हैं, देखिए यही हमें दिखाने जा रहे हैं। ये मुझे नहीं जानकारी थी इस जगह की जानकारी इनके माध्यम से हुई है, और इनके सौजन्य से ये अमरकंटक की अनदेखी जगह हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी घूमने आ सकते हैं। पूरा रास्ता दिखा रहे हैं, पेंड्रा से आप माई के मड़वा के लिए ऑटो कर सकते हैं, ऑटो से चले आएंगे और ऑटो माई के मड़वा तक आता है। बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत प्यारी जगह लगी। ये देखिए यहाँ पर पत्थर तो बहुत विशाल है, और पलट जाए तो क्या होगा। देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है अमरावती नदी का, बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये देखिए अमरावती वाह, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर। अमरावती ऊपर से नीचे गिरती हुई, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से काफी बहाव के कारण पूरा अमरावती नदी का पीक
पॉइंट है जो देखने को हमें यहाँ से मिल गया। देखिए इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ के, हालांकि काई लगी हुई है सीढ़ियों पे, लेकिन फिर भी हिम्मत की हम लोगों ने और ये व्यू आपको देखने को मिले, आपके साथ साथ मुझे भी देखने को मिले। हम क्यों आपको ही ब्लेम करें। ये देखिए थकान हो गई तो देखिए सभी बैठ के आराम कर रहे हैं और ये मैदान भी बहुत अच्छा है। हैं तो हम पहाड़ों पे भी देख ही रहे हैं आप कितनी ऊंचाई पे हैं, लेकिन ये हरा भरा मैदान, छोटा सा मैदान है, बहुत प्यारा है। बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर बैठते हैं, जरा सा भी हवा होगा, बहुत आनंद आ रहा है। और ये गिरने वाला भी है, देखना भी हवा आएगी तो गिर ना जाए, खराब हो जाओ। नहीं खराब तो कुछ नहीं होगा, बस गिर जाएगा हमारा वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बाकी सब अच्छी जगह। आप यहाँ कुटिया बनाना चाह रहे हैं ना? कुटिया बनाना चाह रहे हैं, कुटिया बहुत अच्छी लगेगी यहाँ पर, बहुत प्यारी कुटिया लगेगी और बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ, बहुत अच्छा। आपसे अगर ये सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, जरूर यहाँ कुटिया में फिर आया करेंगे रुकने के लिए। बहुत अरे वाह, बहुत बहुत प्यारा लोग है, रुपये इतनी ना होती है तो इसी रुपये आता हूँ पानी। 24 घंटे मधुर संगीत कानों में गूंजता रहता है, 24 घंटे 24 घंटे बिल्कुल, बहुत गजब, बहुत गजब। अभी शायद हमारे एक कैमरे की माइक में भी कैच हो रहा हो पानी का, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, नेट की बस थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन यहाँ BSNL बता दें लग जाता है। हेलो मित्रों, अभी हमने अमरावती के दर्शन किए और वाटरफॉल अमरावती का और यहाँ का ग्राउंड वगैरह ये दिखाया। छोटा सा वीडियो है, जो कुछ भी है जैसा भी लगाओ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ ये स्थान। अब हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि आज नाइट स्टे करेंगे यहीं पर माई के मड़वा में, और कल फिर सब सुबह हम लोग निकलने वाले हैं रतनपुरी। रतनपुरी में क्या है, महामाया के दर्शन करने वाले। हाँ जी, महामाया सोनमूड़ा। हाँ, महामाया सोनमूड़ा के दर्शन करने वाले हैं। तो महामाया कम लोग जाए, सोनमूड़ा तो लोग चले जाते हैं, महामाया कम लोग जाते हैं। तो ये अमरावती का भी ये स्थान जो है बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, और शायद काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे हो उसमें से हो सकता है कुछ लोग आए हों, लेकिन काफ़ी कम लोग आते हैं। स्थान बहुत अच्छा है, अगर आप लोग भी आना चाहें तो पेंड्रा से आप ऑटो करेंगे सीधा माई के मड़वा के लिए, ऑटो मिल जाता है। वैसे यहाँ कोई सवारी नहीं है, आप अपनी सवारी से आना चाहते हैं तो पेंड्रा से ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर पड़ता होगा, पेंड्रा से 15 किलोमीटर करीब, 15 किलोमीटर के आसपास, पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से। स्थान बहुत अच्छा है, देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। आगे मिलेंगे हम आपको अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।